आज पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान में बीजेपी जीती, वो कांग्रेस की वजह से जीती। सचिन पायलट को धोखा दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, 9% गुजर वोट भाग गया वहां, इसलिए बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, वो भी कांग्रेस की वजह से जीती। वो उन कमलनाथ जी ने अखिलेश पखिलेश कहा था, 8% यादव वोट भाग गया, इसलिए वहां बीजेपी जीती। माफी मांग लेते 4-5 स्टेट में जो विधायक तोड़ के ले गए, और बहन जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना देते तो आज माननीय प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर ये नहीं कह सकते थे, बराबर में चुनाव हो रहा होता 100%। और कल भी कुछ ऐसी जो पालतू जीवों के अनुसार संबोधित करके कुछ बातें कही, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं समझ नहीं आता। कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को मारना चाहते हैं, समझ नहीं आता। पिछले दिनों जो पांच राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान में बीजेपी जीती, वो कांग्रेस की वजह से जीती। सचिन पायलट को धोखा दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, 9% गुजर वोट भाग गया वहां, इसलिए बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, वो भी कांग्रेस की वजह से जीती। वो उन कमलनाथ जी ने अखिलेश पखिलेश कहा था, 8% यादव वोट भाग गया, इसलिए वहां बीजेपी जीती। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, चाहे ममता जी नाराज होकर भागी, चाहे नीतीश जी जिन्होंने नींव रखी थी वो नाराज होकर भागे, चाहे अखिलेश जी से तलखी चल रही है, चाहे महाराष्ट्र में तलखी चल रही है, चाहे पंजाब हरियाणा दिल्ली में आप पार्टी से तलखी चल रही है, वो कहीं ना कहीं लीडरशिप नहीं है कांग्रेस में, कन्फ्यूजन है और दबाव बना करना चाहती है। जबकि पहली वाली कांग्रेस नहीं है, आज की कांग्रेस दूसरी है, इसे झुक करके काम करना चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी है। और अगर हमें भी साथ ले लेते, माफी मांग लेते 4-5 स्टेट में जो विधायक तोड़ के ले गए, और बहन जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना देते तो आज माननीय प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर ये नहीं कह सकते थे, बराबर में चुनाव हो रहा होता 100%। तो इसकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी जीती, तो 2024 में अगर बीजेपी जीतेगी तो कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेने की वजह से, या नेतृत्व ना होने की वजह से, या जो बड़े होकर के और दलों पे दादागिरी और उनकी सीटें छीनने की वजह से, ये भी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। देखिए, इसको आप कटाक्ष ले रहे हैं, कटाक्ष नहीं कहते। कोई भी अगर काम करता है तो गलती तो उससे होती है, और आने वाले समय में उन गलतियों से सीख लेके आज के देश में 1913 का जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम जो शुरू हुआ कलकत्ता में, 1947 में जब देश आजाद और बंटवारा हुआ, वो देश और थे उस समय के, आज के देश और हैं। अगर पिछले किन्हीं भी चीजों को, उनकी अच्छाई भी बहुत सारी रही होंगी, कमियां भी रही होंगी, कमियों को अगर डिस्कस करके और वो आज उन कमियों को सुधार करके और देश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, मेरे हिसाब से इसको कोई आलोचना कहेगा, कोई इसको अच्छी बात कहेगा, कोई इसको इम्प्रूवमेंट कहेगा, कोई इसको संशोधन कहेगा, कोई इसको देश को आगे बढ़ाना कहेगा, जैसी जिसकी सोच होती है वैसी ही उन सोच को ले लेते हैं। देखिए, ये एक चीज तो कहीं ना कहीं है, और वो आप नहीं कह रहे, ना माननीय प्रधानमंत्री कह रहे, ना मैं कह रहा। अगर रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी और खामियां तो है उस कल्चर में, और इस कल्चर में कहीं ना कहीं वर्किंग में फर्क तो है। जब दूसरे नेता जहां सुबह 11 बजे सोकर के उठते हैं, जब तक आज के परिवेश के ये नेता जो बिल्कुल जमीन से जुड़ करके और नीचे से उठ करके आए हैं, ये 11 बजे तक पूरा काम करके और अपने दूसरे काम पे निकल जाते हैं, तो जब उनके लोगों के सब काम हो ही जाते हैं तो वो जब उठ करके बैठते हैं, उनको कोई मिलने आता नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन में और कुछ का कुछ बोलते हैं, स्टेटमेंट कुछ का कुछ देते हैं, उससे उनका नुकसान और होता है। उसमें हम देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, वो दूर नहीं है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें और संशोधन की जरूरत है कि कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, 3 दशक में हम देश की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, और पिछले 10 सालों में, यानी कि एक ही दशक में, आज देश आर्थिक स्थिति से या आर्थिक शक्ति 5वीं बन गई है, और उन्होंने कहा अगले 5 साल में मैं इसे 3रे नंबर पे ले आऊंगा, यानी कि जो 30 साल में काम होना था वो 15 साल में देश पूरे वर्ल्ड की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। कांग्रेस संबोधन को लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा, कहा कि बिना ग्रैंड ओल्ड पार्टी का नाम लिए प्रधानमंत्री का भाषण पूरा नहीं होता।
देखिए खड़गे साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनकी उम्र ज्यादा है मुझे नहीं पता। जिस दिन वो अध्यक्ष बनाए गए थे उसी दिन सनातन के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, और कल भी कुछ ऐसी जो पालतू जीवों के अनुसार संबोधित करके कुछ बातें कही। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं समझ नहीं आता। कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को मारना चाहते हैं, समझ नहीं आता। खड़गे जी की ना प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण था बाय बाय मोदी ट्रेंड कर रहा है। देखिए कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, कहने से नहीं होता, काम किस तरह कर रहे हो, विपक्ष की भूमिका क्या निभा रहे हैं, क्या क्या देश को जरूरतें हैं, किसानों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, नौजवानों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, गरीबों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, और ये अपना जो आज के परिवेश में जिन जिन चीजों को लेकर के संसद में मुद्दों को लेकर टकरने की कहां कहां जरूरतें हैं, महिलाओं को क्या क्या जरूरतें हैं, इन सब के बारे में अगर सोच करके संसद में टकरोगे, भिड़ोगे, लड़ोगे, जूझोगे और देश उसे देखेगा तो इस तरह के स्टेटमेंट की संभावनाएं हो सकती हैं। और आज मैं देखता हूं हमारे साथ में जब सदन चल रहा होता है तो यह तो सदन चलने नहीं देते हंगामे की वजह से, और कभी चलता भी है तो वहां सीटें खाली पड़ी रहती हैं। मेरे हिसाब से करनी और कथनी में फर्क है, दोनों एक जैसी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सर जो अपनी बात रखी है कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर और रिजर्वेशन पर, उसको लेकर बीएसपी का कैसे है? क्या कहें, देखिए हमारी पार्टी हमेशा पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती रही है। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही है पर शायद नकली लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, जब महिला आरक्षण बिल आया था, तो हमारी पार्टी ने भी, समाजवादी ने भी, और लालू प्रसाद यादव की जी पार्टी ने भी, और जैन जी की पार्टी आरएलडी ने भी उस समय बात रखी थी कि पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार तो 10 साल चली और वो बिल पास नहीं कराया, इससे साफ दिखती है नीयत क्या थी कांग्रेस की। अब मांग कर रहे हैं तो चलो कम से कम हमारे लाइन पे ही चले, पीछे पीछे और नकली मांग सही, पर बात अच्छी है कि आज पिछड़ों की और दलितों की बात हो रही है।